मेरा तो पहले ही मौकफ है, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि इमाम बुखारी की और थोड़ी रवायतें हैं कि जिनकी तावीलें की जाती हैं, जिनको सिरे से रद्द कर दिया जाता है। यहाँ शाह जोरी साहब है, आप देख लें उसमें और उनकी बहुत सारी जो है ना रवायात है, क्या सिर्फ ये शाह जोरी को ही पता चला और किसी रावी को पता नहीं चला? अच्छा, यानी आपका मौकिफ है कि ये रवायात बुनियादी तौर पर, मैं रवायात में ये बुनियादी तौर पर ये मैं नहीं इनको तस्लीम करता, ये सईदा की शान से वही यही तो असल मसला है कि बजाय हम हजरत फातिमा के या उनके, हम ये क्यों नहीं कह देते कि ये हम बुखारी साहब फिर थे रावियों से गड़बड़ हुई है, थे रावियों से गड़बड़ हुई है। खुद कहा हो कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नाराज हूँ तो ये कोई जरूरी है कि वो खुद कहें जो दूसरे सच्चे लोग कह दें कि वो नाराज हैं? तो किसने कहा? आयशा ने कहा। वो कौन आयशा सदीका रजीला तना का नहीं है, वहां पे काला है वहां पे जोरी मुराद है, वहां पे सईदा आयशा तो मुराद नहीं। मैं दिखाता हूँ ये बकवास है जो आप बाबा जी। हाँ आप मुझे दिखाएं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात को कम्प्लीट होने देना जी। मुझे पता आप क्या कहना चाहते, अब इन्होंने ये शुरू में ये आए थे कि साबित करें कि बुखारी में जो रिवायत है उसमें इदराज है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके पास कोई दलील नहीं है, ठीक है ना। मैंने इनसे मुतालिबा, ये कहते हैं सब अहादीस को देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। बुखारी के इतने शुर्राह हैं, वो कब से 30वीं सदी से बुखारी का शरह लिखना शुरू हुआ है, अब तक आप उनके शुर्राह जो इतने हैं, उन शुर्राह में से एक शख्स की शरह मुझे दिखाएं। इबन हजर असकलानी है, उमदतुल कारी आइनी की है, इबन बत्ताल की शरह है, इतने शुरू लिखे गए, ठीक है ना। उनमें से दिखाएं कि किसी ने कहा कि इस हदीस में इदराज है, ठीक है ना। अब आप लोग फंस गए उस हदीस में अगर इदराज है, उसमें यह तो भी है कराहियत लिमहदर उमर, कि अमीर उल मोमिनीन अलैहि सलातु वसलाम को उमर के चेहरे से नफरत थी। उसमें यह तो भी है कि रसूल हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रातों रात दफन किया ताकि अबू बकर उमर को पता ना चले, वो भी इदराज है, है? उसके बाद अबू बकर जब आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से क्या कहा? खिलाफत हमारा हक है, तूने इस पर कब्जा किया, वो भी इदराज है, वो भी जोहरी का कौल है, हा? ये सब जोहरी का कौल है। कौन सा कौल? जी बात करो, क्या हुक्म है? मैं बात, आप शुक्र है, आप मेरी बात सुने आप ये बागे फातिमा के जो मेरी बात सुने, आप मेरे पास, मेरा टाइम कितना मेरे पास? एक सवाल आपका हक है, जो मर्जी सवाल करो भाई। चलो मैं इससे ठीक है, मैं आप सवाल करने लगा हूं। आप कुरान में कहते हैं कि आप अलैहि सलाम ने, नबी अलैहि सलाम ने मौला अली को अपना नफ्स करार दिया है, ठीक है ना, अपना नफ्स करार दिया है। इदराज का क्या बना, वो भूल गए? चलो जो मर्जी तुम बोलो भाई, उसी हदीस में ही आया ना, ठीक है ना। नहीं, चलो मैं जो सवाल आता है ना, तो मेरी बाबा के पतक पे आ जाओ और मेरी बात सुने ना। अब चलो, आपने अभी इतने बात कहे ना, इतने जुमले कहे हैं कि उसमें यह भी है कि रातों रात दफन किया है, ताकि अबू बकर उमर, हाँ वो भी, ये सब अबू बकर उमर को जमाज जनाजा पे भी नहीं बुलाया, ये भी इदराज है। ओ भाई, वो रातों रात दफन किया, ये भी इदराज है। मेरी बात सुने, ओ भाई, उमर उमर के चेहरे से नफरत था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, ये भी इदराज है। भाई मेरी बात सुने, और मेरी बात तो सुनने ना, बात तो सुननी दे, अपनी आप तावीलात पेश करके यार, मेरी बात सुनने।